नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, मैं निसार सोहेल टीवी N7 न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार। असम अली बाहर दबरा किशम बाग टीआरएस ऑफिस पर झंडा बंधन रखा गया है। मैं सारे हिंदुस्तान की आवाम को आज के दिन मैं बहुत मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि हमने 75 साल आज़ादी के गुजार रहे हैं और आपने देखा कि दुनिया में अगर हिंदुस्तान का नाम रोशन है तो ये हिंदुस्तान की एकजुटी से है और हमको चाहिए कि हम सब मिलकर हिंदुस्तान का नाम रोशन करें और अपनी कंट्री का नाम रोशन करें और अपने नौजवान बच्चों की हिम्मत अफजाई करें। मैं खासकर हमारे कायद और हमारे तेलंगाना के सीएम केसीआर साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। उन्होंने जो ऐलान किया है कि हर तेलंगाना के घर पर झंडा लगाया जाएगा और आप देख रहे हैं आज तेलंगाना में मैं 75 साल की जो मुबारकबाद पर हर घर हर गली हर शॉप पर झंडा देख रहा हूं और बड़ी खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि हम हिंदुस्तान में सारे मजहब के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक गुलदस्ते के मानिंग है और हमारी एकजुटी ही है कि हम हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं और हमारे हिंदुस्तान की एकजुटी के लिए हम सब काम कर रहे हैं। और खासकर मैं बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के मेरे टीआरएस पार्टी के कैडरों को भी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। ख्वाजा मियाँ शेख जमीर सबा बेगम ख्वाजा भी और मेरे बहुत सारे ये प्रिंस नेहरा और यूसुफ साहब मोहम्मद शान और बहुत सारे मेरे पार्टी के कैडर हैं, उन सबको मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। और फिर मेरे यहाँ सिंगर जो अदाकार यहाँ पर आए हैं अली खां शेख अजीम बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उन सबको भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ।